हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वेट लॉस डाइट प्लान। और आज का डाइट प्लान पीसीओएस स्पेशल है, विच मींस जिन फीमेल्स को पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेस बॉडी हेयर, एक्सेस बॉडी फैट, एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन, वो फीमेल्स भी इस डाइट प्लान को फॉलो करके इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड डाइट प्लान है जिसे आई एम वाओ के सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाया। एंड गाइज, अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना चाहो, साथ में एक्सपर्ट्स के साथ काउंसलिंग सेशंस लेना चाहो, तो आप भी आई एम वाओ प्रोग्राम्स का बेनिफिट ले सकते हो। इन प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पीसीओएस स्पेशल वेट लॉस डाइट प्लान के साथ। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। मॉर्निंग ड्रिंक आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से लेनी है। डे 1 से लेकर डे 13 तक एक ग्लास लूकवार्म वाटर के साथ आपको एक टीस्पून रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स और रोस्टेड पम्पकिन सीड्स लेने हैं। देन 14th डे ऑनवर्ड आपको एक ग्लास लूकवार्म वाटर के साथ 1 टीस्पून सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। पीसीओएस कंडीशन में किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बेनिफिशियल भी है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मैनेज योर वेट, रिड्यूस योर BMI एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर बॉडी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंसुलिन। अब देखते हैं कि वर्कआउट करने के बाद आप क्या ले सकते। सो यू हैव टू ऑप्शंस। यू कैन ईदर हैव 7 to 9 पीसेज ऑफ सोक्ड आमंड्स और यू कैन हैव 15 ग्राम्स ऑफ सोक्ड काला चना। तो अब देखते हैं कि इस बार के मील प्लान के हिसाब से आपके पास कौन कौन से ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप इन ऑप्शंस में से किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हो या फिर शफल कर सकते हो। सो डे 1 पे यू कैन हैव 250 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड फ्रूट सैलेड एंड डे 2 यू कैन हैव 1 वेजिटेबल और पनीर मूंग दाल चीला, जिसे बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स मूंग दाल का यूज करोगे और 100 ग्राम्स वेजिटेबल्स या फिर 50 ग्राम लो फैट पनीर। आइए आपको दिखाती हूँ कि मूंग दाल चीला कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने येलो मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था और अब ये दाल पार्शियली गल चुकी है। अब हमें इसको इस पानी के साथ ही ब्लेंडर में डालना है और अच्छे से इसका पेस्ट रेडी करना है। मूंग दाल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो इट्स हाई इन प्रोटीन एंड देन कैल्शियम एंड आयरन भी होता है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट, पिंच ऑफ टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर। नाउ मिक्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स एंड देन कवर इट एंड कीप इट असाइड। इसके बाद हम इसका तड़का रेडी करेंगे फिलिंग के लिए, जिसके लिए मैं पैन में कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लिया है एंड देन इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, चॉप्ड अनियन एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल के इन सब चीज़ों को सौते गए। अब इसके अंदर मैं क्रश्ड पनीर डाल रही हूँ और इसके बाद स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, पेपर एंड रेड चिली पाउडर। नाउ मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल एंड टॉप इट विद कोरिएंडर। इसी के साथ हमारी चीला की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम एक तवा या पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे एंड देन दाल का बैटर इसके ऊपर ऐड करेंगे। सो अराउंड 2 tablespoons बैटर मैं ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। अब हमें इसे दोनों साइड से पकाना है और एक साइड पे पनीर की फिलिंग को ऐड करना है। फिलिंग डालने के बाद हम इसको रैप कर सकते हैं और अच्छे से पका लेंगे। विद दिस आवर पनीर स्टफ्ड मूंग दाल चीला इज रेडी, जिसे आप चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी इट टेस्ट्स वेरी डिलीशियस। डे 3 यू कैन हैव अ पनीर एंड वेजिटेबल सैंडविच, जिसके लिए आपको 2 slices ब्राउन ब्रेड के लेने हैं, 40 ग्राम्स पनीर ले सकते हो और उसमें 100 ग्राम्स वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। डे 4 यू कैन हैव 250 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड फ्रूट सैलेड अगेन इन योर ब्रेकफास्ट एंड देन डे 5 यू कैन हैव 1 पराठा, आप कैबेज का या फिर कोई भी और पराठा ले सकते हो। इसके साथ आप 1 tablespoon मिंट कोरिएंडर चटनी ले सकते हो। डे 6 पे आपको 1 bowl ऑफ स्प्राउटेड चना लेना है, जिसमें 30 ग्राम्स बॉइल्ड चना होगा और 180 ग्राम्स बाकी के वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन, टमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर ऐड कर सकते हो। डे 7 यू कैन हैव 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स अलॉन्ग विद 2 pieces ऑफ डेट्स। गाइस, इस बार भी हमारा फोकस मिनी मील्स लेने पे है, तभी आपने नोटिस किया होगा कि ब्रेकफास्ट में सारे ऑप्शंस काफी लाइट और काफी हेल्दी थे। इसीलिए आप अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में सत्तू ड्रिंक ले सकते हो, जो कि काफी फिलिंग होती है। तो इस टाइम आप 30 ग्राम्स सत्तू फ्लावर में 300 ml वाटर मिला के सत्तू ड्रिंक प्रिपेयर करके ले सकते हो। अब देखते हैं कि लंच मेन्यू में हमारे पास इस बार क्या है। डे 1 यू कैन हैव 1 bowl ऑफ कर्ड राइस, जिसके लिए आप 30 ग्राम्स कुक्ड बॉइल्ड राइस लोगे और साथ में 100 ग्राम्स कर्ड लोगे। कर्ड राइस कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बॉइल्ड राइस ले रही हूँ, जिनको इंटेंशनली ओवर कुक किया है। अब इसके अंदर 3 से 4 चम्मच
मिल्क ऐड करेंगे और एक बोल लो फैट मिल्क से बनी कर्ड ऐड करेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जैसे कि सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड रेड चिली पाउडर डालेंगे। इन सब चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम एक तड़का पैन लेंगे जिसमें एक चम्मच घी और उसके अंदर अरहर की दाल को डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। इस तड़का में हम हींग ऐड करेंगे, मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे एंड देन कुछ ड्राइड रेड चिलीज लेंगे और इसके बाद करी लीव्स यानी कि करी पत्ता ऐड करेंगे। तड़के को रेडी करेंगे और इसको हम कर्ड राइस के ऊपर टॉप कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारा कर्ड राइस रेडी है। आप इसको रोस्टेड कैश्यूज के साथ गार्निश कर सकते हो। ऑल राइट, लंच ऑप्शन फॉर डे टू इज 1 मल्टीग्रेन चपाती एंड 1 बोल विच मीन्स अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ एनी दाल ऑफ योर ओन चॉइस अलॉन्ग विद अ प्लेट विच मीन्स 100 ग्राम्स ऑफ ग्रीन सैलड। डे 3 यू कैन हैव अ बोल ऑफ टोमेटो रसम, इसके साथ आप एक बोल स्टीम्ड राइस ले सकते हो। अगेन अनकुक्ड राइस की क्वांटिटी 30 ग्राम्स है और बनाने के बाद वो अराउंड 100 ग्राम्स के होंगे। इसके साथ अगेन यू विल हैव अ प्लेट ऑफ सैलड। डे 4 यू विल हैव 1 मल्टीग्रेन चपाती, इसके साथ 1 बोल ऑफ कॉर्न एंड पनीर की सब्जी। कॉर्न पनीर सब्जी बनाने के लिए आपने 30 ग्राम्स कॉर्न, 30 ग्राम पनीर लेना है और इसके साथ आप 100 ग्राम कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो और इसके साथ आप 100 ग्राम्स मिक्स्ड वेजिटेबल सैलेड लोगे। डे 5 यू विल हैव अ बोल ऑफ वेजिटेबल पुलाव जिसमें 30 ग्राम्स अनकुक्ड राइस डालेंगे और 100 ग्राम वेजिटेबल्स डालेंगी। इसके साथ आप एक ग्लास बटर मिल्क यानी कि छाछ ले सकते हो। डे 6 यू कैन हैव अ बोल ऑफ एनी सब्जी ऑफ योर चॉइस, इसके साथ एक मल्टीग्रेन चपाती और एक प्लेट मिक्स्ड सैलेड। डे 7 यू विल हैव 1 मीडियम साइज्ड अनियन उत्तपम अलॉन्ग विद 1 बोल ऑफ सांबर, जिसका मतलब है अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ सांबर। इसके साथ 15 ग्राम्स यानी कि अराउंड 1 टेबल स्पून कोकोनट चटनी ले सकते हो। एंड गाइस, लंच के हाफ एन आवर के बाद आप एक कप जीरा या अजवाइन ड्रिंक या फिर आप सिनेमन वाटर भी ले सकते हो। अब चलते हैं इवनिंग स्नैक्स पे, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप स्पेशली फॉर दोज विद PCOD और PCOS। आप लोगों को पैकेज्ड फूड से, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है, चाहे वो इवनिंग स्नैक हो या कोई भी और मील। ट्राई टू हैव मोर एंड मोर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, हेल्दी नट्स एंड सीड्स। तो देखते हैं इवनिंग स्नैक्स में क्या है। यू हैव 3 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर 1 इज 1 कप ऑफ ग्रीन टी और यू कैन ऑल्सो हैव ब्लैक टी अलॉन्ग विद 1 पीस ऑफ रागी खाकरा। सेकेंड ऑप्शन इज अ कप ऑफ ग्रीन टी अलॉन्ग विद 25 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड फॉक्स नट्स, रोस्टेड मखाने। एंड थर्ड ऑप्शन ग्रीन टी के साथ है 20 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड पीनट। अब चलते हैं डिनर पे। डे 1 पे आपको लेना है एक बोल मसाला खिचड़ी विच विल बी अराउंड 120 ग्राम्स ऑफ मसाला खिचड़ी अलॉन्ग विद 1 प्लेट दैट मीन्स 100 ग्राम्स ऑफ ग्रीन सैलेड। डे 2 यू कैन हैव 1 मूंग दाल डोसा जिसके लिए आपको 30 ग्राम्स मूंग दाल लेनी है एंड 100 ग्राम्स वेजिटेबल्स लेने हैं। इसके साथ आप एक टेबल स्पून मिंटन कोरिएंडर चटनी ले सकते हो। डे 3 आप लोगे एक बोल चना मसाला करी विच मीन्स ब्लैक चना विद करी along with 1 multigrain chapati. Day 4 you can have pasta जिसे बनाने के लिए आप 30 grams होल वीट या फिर सूजी का पास्ता यूज कर सकते हो और 100 grams वेजिटेबल ऐड करोगे। मेक श्योर यू नॉट एडिंग एनी क्रीम टू द पास्ता। डे 5 यू कैन हैव अ बोल ऑफ दाल खिचड़ी विच विल बी 120 grams ऑफ दाल खिचड़ी along with 100 grams ऑफ boiled ग्रीन veggies और sorted ग्रीन veggies. डे 6 यू कैन हैव अ बोल ऑफ पनीर भुर्जी जिसे बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स पनीर यूज करोगे और 100 ग्राम्स वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो और इसके साथ आप एक मल्टीग्रेन चपाती लोगे। एंड डे 7 यू विल हैव अ बोल ऑफ नमकीन दैट मीन सॉल्टेड और मसाला ओट्स जिसके बनाने के लिए 30 ग्राम्स ओट्स का यूज होगा एंड 180 ग्राम्स वेजिटेबल्स यूज करोगे। नाउ अनदर टिप फॉर दोज विद PCOD एंड PCOS, स्टे अवे फ्रॉम डेयरी एंड नॉन वेजिटेरियन। आप इन दोनों चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे लेना अवॉइड करो और अगर आपको डेयरी में से कुछ लेना भी हो तो लो फैट मिल्क से बनी चीज़ें ही लो। देखते हैं कि सोने जाने से पहले हमें क्या लेना है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज अ कप ऑफ सिनेमन वाटर एंड ऑप्शन नंबर 2 इज जीरा एंड अजवाइन वाटर। आप इन दोनों ड्रिंक्स में से कोई भी एक ड्रिंक बना के ले सकते हो और उसके बाद आराम की नींद सो सकते हो। तो गाइज, ये था इस बार का PCOS स्पेशल डाइट प्लान। आई होप कि ये डाइट प्लान आपके काम आएगा। मैं हर महीने एक नया डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो अगली बार आप किस तरह का डाइट प्लान देखना चाहोगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।